अपने घर में सात बातें ले आ तो भगवान प्रसन्न होंगे, नीच योनियों से तो बचोगे और भगवान की प्राप्ति का राजमार्ग खुल जाएगा। ये सात बातें ऐसी है कि सभी लोग कर सकते हैं। अपने घर में सात बातें ले आ तो भगवान प्रसन्न होंगे, नीच योनियों से तो बचोगे और भगवान की प्राप्ति का राजमार्ग खुल जाएगा। ये सात बातें ऐसी है कि सभी लोग कर सकते हैं। एक तो अपने घर में एक छोटा मोटा ऐसी जगह बना दो जहां आसन बिछा रहे, आसन विद्युत का कुचालक हो, अर्थिंग ना मिले, ऐसा कंबल हो, नीचे प्लास्टिक हो, चटाई हो, कुछ बाद में ऊपर गद्दी बद्दी जो भी करते अथवा कपड़ा लगा दिया। क्योंकि जप करने से जैसे आप डायनामो घुमाते तो ऊर्जा बनती है, ऐसे भगवान का नाम रिपीट करते हैं तो एक प्रकार की आध्यात्मिक ओरा बनती है। अगर बिना आसन के है तो वो आध्यात्मिक बिजली धरती में चली जाती है। यही कारण है कि लाखों लाखों लोग भक्ति करते हैं लेकिन कोई कोई विरले के जीवन में भक्ति का तेज और हो जाता है, बाकी के लोगों का या तो काम विकार में, या तो झूठ कपट की अधिकता में, या तो अविश्वास के कारण, या तो अर्थिंग के कारण, ये सारी भक्ति का जो धन है वो बिखर जाता है। तो जिस बिखराव से बचे तो आप तो 12 महीने लग जाए तो रोज के 4 घंटे तो ईश्वर प्राप्ति हो जाए, 4.5 घंटे में 120 मालाएं हो जाएगी, और नीच कर्म का त्याग कर दे और ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से जप करे तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी 1 साल के अंदर। अगर तड़प ज्यादा है तो 6 महीने में भी हो जाती। परीक्षित को 7 दिन में हो गई थी, कटवांग को 2 मुहूर्त में हो गई थी। मैं तो कहता हूं 2 साल में भी हो जाए तो सौदा सस्ता है, और 20 साल में भी भगवत प्राप्ति हो जाए तो करोड़ों जन्म में क्या क्या प्राप्त किया सब छूट गया, भगवान ही अछूट है, वो एक बार मिल जाए तो शाश्वत शांति दी गच्छति। तो एक ऐसा आसन बिछा हुआ हो, कभी कभार गाय के झरण का पोता हो जाए गोमूत्र आदि का, कभी एक आध चम्मच गौमूत्र और थोड़ा सा पानी अथवा थोड़ा सा गोबर मिलाकर शरीर को रगड़ रगड़ के स्नान करो, रोमकूप खुलेंगे, सात्विकता की भजन में मन लगेगा, पाप नाशिनी ऊर्जा बनेगी। कभी वो पोता कर लो, घर में वास्तु दोष है तो गौमूत्र से घर को पोता करने से घर पर कुप्रभाव और वास्तु दोष कटता जाएगा और ऋण आयन बनेंगे, घन ऊर्जा बनेगी। कभी कभार घर में अगर बीमारियां हैं या कोई बीमार आदमी है तो उसके आगे गूगल का धूप करो, गूगल शक्कर और गाय का घी, उसका मिश्रण से धूप करो, बीमारियां भागेगी और स्वास्थ्य आएगा। तो उस कमरे को ऐसा रखो कि कभी दिया किया, कभी धूप किया, कभी कोई ताजे फूल रख दिए, ये प्लास्टिक के फूल रखना ठीक नहीं, वहाँ बैठ के जप किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया बैठे, और फिर 15 मिनट 20 मिनट एक टाइम में। अब दिन में 4-5 बार बैठने का अवसर मिल जाए तो आपको तो एक हफ्ता में ही चमत्कारिक एहसास होगा स्वास्थ्य का, प्रसन्नता का, बुद्धि का। तो एक आप अच्छा स्थान बना लीजिए जहाँ भगवान के सिवाय और दूसरा कोई काम काज ना हो। दूसरी बात क्या करेंगे कि आप कुछ समय भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वहां बिताएंगे। एक तो अच्छा पवित्र जगह हो, दूसरा भगवान के लिए कुछ समय बिताएंगे, तीसरी बात सेवा पूजा वहां करेंगे, चौथी बात कुछ न कुछ ऐसा सत्कर्म अवश्य करें जिससे भगवान की प्रसन्नता मिले, पांचवी बात इष्ट पर, भगवान पर कुछ न कुछ नेछावर करके फिर लाचार, मोहताज, गरीब, गुरबा जिसको भी हो सके
सेवा में लगा दिया। और नहीं तो आप सुबह उठते न तो एक मुट्ठी भर के अनाज ही दूसरे डब्बे में डाल दिया, पक्षियों के लिए अथवा गरीब गुरबों के लिए कुछ चार हम पैसे ही डाल दिए। रोज थोड़ा थोड़ा करने से रोज आदत सुंदर होती है, भाव बनता है। आचार्य विनोबा भावे ने अपनी माँ को पूछा, जब घर में थे बालक थे, माँ ने कहा बेटा रोज शिव जी को जल चढ़ाओ, जल चढ़ा के आते थे। बोला माँ रोज शिव मंदिर में जाना आना होता है, साल के 365 लोटे हुए, 365 लीटर मान लो, मैं एक टैंकर साल में एक बार चढ़ा दूं तो शिव जी के लिए बहुत हो जाएगा। माँ ने कहा बेटे नहीं, इससे लाभ वो नहीं होता है जितना रोज थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाने से होता है, क्योंकि रोज भाव बनेगा, रोज आपकी भावनाएं जो संसार के प्रति वो भगवत भाव आएगा। मन भगवान में लगाओ, बुद्धि भगवान में लगाओ, तो मन और बुद्धि ऐसी कोई चीज नहीं है कोई कड़ा कुंडी के चलो भगवान में लगा दो, भगवान रूपी इंजन हमको खींच लेंगे। भगवान के भाव करना पड़ता है, भगवान तत्व का निश्चय करना पड़ता है बुद्धि से, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। तो रोज थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करेगा। फिर पांचवी बात क्या है कि अपने जीवन में एक ऐसी आदत डाल दो, पांचवी, कि महाराज थोड़ा कीर्तन करते हुए भगवान के साथ अपनापन और अपने साथ भगवान क्या होने का एहसास, वार्ता। परमहंस योगानंद बड़े सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध हो गए, अभी भी कैलिफोर्निया अमेरिका में और जगह उनके आश्रम है, कई लोग उनको जानते मानते हैं, कई चमत्कार उनके जीवन में आए। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान से बातें करता था, लेकिन मन में हुआ कि मैं जो बातें भगवान से पूछता हूँ या बातें करता हूँ पूजा के रूम में, फिर उत्तर तो मैं ही बोलता हूँ, मैं कैसे मानूं कि भगवान तुम उत्तर दे रहे हो, ये तो मैं ही प्रश्न कर रहा हूँ और मैं ही उत्तर दे रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो योगानंद का घर का नाम था मुकुंद और उनकी बहन का नाम था रोमा। तो मुकुंद ने कहा, लिखा अपने जीवन चरित्र में योगानंद स्वामी ने, कि एक ऐसा आवाज आया कि श्रद्धा रख, जिसका तू पूजन करता है, जिसको ईश्वर मानता है, उसमें संदेह मत कर, मैं ही बोल रहा हूं, मैं परमात्मा बोल रहा हूं। तो ये आवाज आया तो मैं तो चुप था, और ये आवाज आया तो मैंने सुना, मेरी माँ ने सुना और मेरी बहन रोमा ने सुना, तो हम चकित हो गए। और फिर तो भगवान के साथ का अपनापन बढ़ता गया और आज मुझे लोग परमहंस योगानंद करके जान रहे मान रहे, ये भगवान की शरण का और भगवान को अपना मानने का फल प्रत्यक्ष है। ये तो ठीक है, योगानंद के आगे भगवान की वाणी हुई, लेकिन कुत्ते के मुंह से भगवान बोले हैं ये प्रमाण है अपने पास, तीतर के मुंह से भगवान बोले हैं मनुष्य की वाणी। भगवान सर्वसमर्थ है, कर्तुम शक्यम अकर्तुम, मेढक के मुंह से मनुष्य सुने मनुष्य समझे ऐसी वाणी बोले हैं, और वो वाणी मांडुक्य उपनिषद है। तीतर के मुख से भगवान बोले ऐसी वाणी वो तैत्रीय उपनिषद है। भगवान के सामर्थ्य के आगे हमारी बुद्धि सोच विचार करके पूरा माप तो नहीं कर सकती, क्योंकि करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बुद्धिजीवी पैदा हो के लीन करने वाले भगवान को आप अपनी नन्ही सी प्राकृतिक बुद्धि में कैसे तोलोगे। इसलिए भगवान आप कितने कैसे हो हम पूर्ण रूप से तो आपको नहीं जान सकते, ये अपूर्ण बुद्धि पूर्ण को कैसे जाने, खद्यो तो सूरज की उम्र कैसे जानेगा। लेकिन महाराज आप जैसे तैसे हो, जो भी हो, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं कि नहीं, बस भगवान का पल्ला पकड़ो पूजा के रूम में रात्रि को सोते समय, हम तुम्हारे हैं ना, हम तुम्हारे। एक दिन दो दिन पांच दिन अगर सच्चाई से तीव्रता से लग जाओगे तो पांच दिन बहुत हो गए, अंतरात्मा से भगवत वाणी आएगी कि हाँ तुम हमारे हो,
आपका काम बन जाएगा। बेबोले भगवान जब बोलने लग जाएंगे तो आपके कई प्रकाशमय समाधान मिलेंगे। और उसका मतलब ये नहीं कि आप ये सट्टा कौन सा लगाएं, फलाने की टांग कैसे तोड़े, ये वासना संयुक्त बातें करोगे तो फिर आपका मन ही दूसरे रूप में द्वेष होगा, उसके लिए नफरत बरसाएगा, राग होगा, उसके लिए अनुकूल बात करेगा, तो ये मन के फंदे में फंस जाओगे। आप राग द्वेष रहित होके भगवान से प्रीति पूर्वक नाता जोड़ो और फिर यही अनर्गल बातें ना करो, खाली उनको अपना अपने को उनका मानकर उनकी प्रीति संपादन करो, फिर अच्छी प्रेरणा और सब अपने आप होता जाएगा, बिल्कुल विलक्षण चमत्कारिक लाभ होगा। फिर आप के पास चाहे पढ़ाई लिखाई है, चाहे आप एकदम अनपढ़ है, इक्का दुक्का भी आपने स्कूल में नहीं सीखा, लिखा क ख भी आप नहीं जानते, फिर भी आप बड़े बड़े विद्वानों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सत्ताधीशों की सत्ता की रक्षा करने का आपका संकल्प काफी हो जाता है, इतना भगवत सत्ता है। कबीर जी कोई खास नहीं पढ़े थे, लेकिन कबीर जी पर थीसस लिखने वाले कई बच्चे डॉक्टर बन गए, पीएचडी कर रहे। रामकृष्ण परमहंस कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन पर कई लोगों ने पीएचडी, और कई लोग उनका ग्रंथ पढ़ के क्या क्या फायदा उठाते। तुकाराम खास नहीं पढ़े थे, लेकिन तुकाराम के अभंग एमए के पाठ्य पुस्तकों में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पहले थे, अब हटा दिए गए होंगे क्या पता। तो पांचवी बात, भगवान के साथ अपनापन जोड़ो। छठी बात, हृदय श्रद्धा स्नेह से तर रखो। श्रद्धा और भगवत स्नेह से हृदय को छका रखो। और सातवीं बात, जानबूझकर के किसी को दुख ना दो, किसी का बुरा न सोचो, बुरा न करो, बुरा न चाहो, बुरा ना कहो। बस इतने सात साधन होते ही आपका जीवन निर्दुख निर्भार और निश्चिंतता से भगवत यात्रा, जैसे बच्चे का हाथ पकड़ लिया पिताजी ने, फिर उसको काय की चिंता, रास्ता भूलने की भी चिंता नहीं और गिरने का भय भी नहीं, ऐसे ही भगवत शरण वाले का हाथ भगवान पकड़ लेते।